तो आखिरकार आज 2000 साल बाद हम पहुंच चुके हैं इसकी सर्विसिंग करवाने। गाड़ी का नाम क्या है? ये गाड़ी का नाम है GT। GT? हाँ हाँ हाँ। तो हेलो एंड वेलकम फिर से। तो आज काफ़ी दिनों बाद आखिरकार हिम्मत आ ही गया कि जाते हैं इसका सर्विसिंग करवा लेते हैं। GT का थर्ड सर्विस होना है ये। 2000 करोड़ साल बाद आज हमको फुर्सत मिल ही गया। ये देखिए सड़क हमारा। अभी बज रहा है सुबह के 9 और सोचे निकल जाते हैं, वहाँ शोरूम में भीड़ कम रहता है। अभी सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग हो जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। इसीलिए काफ़ी दिन से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लेट हो जाता था। अभी लेट से जाने पे वहाँ पूरे दिन का चक्कर लग जाता है। सुबह सुबह जाते एक दो घंटे में निपट जाता है काम आसानी से, नहीं तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। थर्ड सर्विस है वहाँ, जो भी कॉस्टिंग वगैरह आएगा इसका तो ज़्यादा मेन अभी ऑयल चेंज होगा क्योंकि ऑयल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सेकंड सर्विस में उन लोगों ने बोला था चलेगा, यही ज़्यादा रनिंग भी नहीं है अभी। अप्रॉक्स 3600 किलोमीटर चले तो करवाते हैं वहाँ, बताते हैं क्या सब एस्टिमेट आया है कैसा क्या है, तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अपने पास भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। एक तो आदत ख़राब है, इंडिकेटर बंद करना भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता इंडिकेटर ऑन है और फिर ब्लिंक करते रहता है। सुबह सुबह का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, सब लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, बिल्कुल बिजी शेड्यूल सब। अच्छा अच्छा फ़ोन पे बात मत कीजिए, इधर देख लीजिए। हमारे वहाँ यहाँ पे रॉयल इनफील्ड के सर्विसिंग का कोई इशू नहीं रहता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है सर्विस सेंटर वगैरह का। पार्ट्स वगैरह भी सारे अवेलेबल रहते हैं, तो कोई झंझट नहीं है बाइक लेके, सब कुछ इजीली हो जाता है। सर्विसिंग, मेंटेनेंस, पार्ट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे बाइक्स है जिसको बाइक तो ले लोगे लेकिन फिर पार्ट्स, अरे भोके रुक जाओ, पार्ट्स नहीं मिलता है बाइक ले लेने के। ओ यार छोड़ो नहीं बताएं। मेरे किस्मत अनुसार तो आज सर्विस सेंटर बंद होना चाहिए, जिस तरह का मेरा टाइम चलता है कि कोई भी काम एक बार में, ये काम भी एक बार में नहीं हुआ है काफ़ी सालों, कम से कम 2000 साल सोचे कि इसका सर्विसिंग करा लें। तो आखिरकार आज 2000 साल बाद हम पहुंच चुके हैं इसकी सर्विसिंग करवाने, देखते हैं हो पाता है आज भी कि नहीं। लग तो रहा है कि हो जाएगा। सब आए आ गए? अच्छा तो ये रहा कुछ वे, देखते हैं क्या है।
चाबी कहाँ करना है? हाँ भैया हो गया, नहीं अभी देख लेते हैं। चला के देख लेते हैं। तो अपना काम डन हो चुका है, 1.5 घंटे में अपना काम हो गया, काफ़ी सही रहा, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। अब इसमें थोड़ा फ्यूल डलवा लिया जाए, इसका तेल ख़त्म हो रहा है, तो आगे सही है। अरे आगे आगे ज़्यादा, तो सब मिला के वही 2800 का बिल बना है। सही है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज हुआ है, जो नॉर्मल होता है, कोई मेजर तो कुछ था नहीं, तो ज़्यादा इशू नहीं। आवाज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है, आवाज़ स्मूथ हुआ है, चलते हैं थोड़ा इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। सही है, सही भाग रहा है। इसको फुल कर दीजिए, फुल कर दीजिए जी। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग होते रहता है। हाँ हार्ड डिस्क किसका होगा? हाँ मेमोरी कार्ड लगता है, 512 GB। इसका रेट 4.5 लाख, 650 cc का है। हाँ ठीक है भैया। ये 36 आगे 32। हाँ जी क्या बोले? एक साल हो गया। हाँ हाँ चलता है, लेकिन उतना नहीं चलाते हैं। ये रहा यहाँ बोला है। हो गया, गाड़ी का नाम क्या है? ये गाड़ी का नाम है जीटी। जीटी हाँ तो नहीं नहीं दो सीट भी है इसका। हाँ अब हम इसको एक ही सीट पे चलाते हैं, अकेले हैं तो। हाँ जिसको है पीछे बैठाने वाला वो दो सीट लगा सकता है। अच्छा अपने पास कोई है नहीं तो अकेले ही चलते हैं। अकेले ही चलते हैं। गाड़ी बहुत शानदार है, गाड़ी देखता हूँ। इसका नाम दाम कितना पड़ता है? लगभग 4.5। ठीक है, आइएगा बराबर।
जरूर जरूर।